खबर मध्य प्रदेश त्योथर की चुनरी से है, जहां शकुंतला देवी आशा कार्यकर्ता पर लगा रही फर्जी मार्कशीट से नौकरी करने का आरोप। आपको बताते चलें, ग्राम पंचायत चुनरी जो जनपद पंचायत त्योथर के अंतर्गत आता है, शकुंतला देवी की नियुक्ति तत्कालीन बीएमओ प्रभारी द्वारा 18 जून 2020 को की गई, जिसका नियुक्ति क्रमांक 258 पर नाम दर्ज है। शकुंतला देवी कक्षा 8 1997 में संभागीय पूर्व माध्यमिक परीक्षा प्रथम श्रेणी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय त्योथर की द्वितीय प्रति पेश करके फर्जी अंकसूची का सहारा लेकर नौकरी कर रही हैं। शिकायतकर्ता चंद्रबली सिंह बहेलिया के द्वारा आरटीआई के माध्यम से जानकारी प्राप्त किया, उनके द्वारा क्या बताया गया, आइए आपको उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। चंद्रबली द्वारा अपने रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से जिला कलेक्टर रीवा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी रीवा एवं पुलिस कप्तान रीवा को 25 जुलाई 2022 को रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। शिकायतकर्ता द्वारा शिकायती पत्र भी प्रस्तुत किया गया। देखने वाली बात यह हो गई कि आशा पद पर कार्यरत शकुंतला देवी की मार्कशीट फर्जी है या सही, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से दिनेश द्विवेदी की खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? चंद्रबली सिंह बहेलिया। क्या समस्या है आपकी? मानवर समस्या यह है कि ग्राम पंचायत चुनरी में शकुंतला देवी पति रामपाल हरिजन द्वारा आशा पद पर फर्जी नौकरी कर रही हैं। उनका कागजात हमने जो है प्राप्त किया, प्राप्त करने के बाद में हमने माननीय जिला कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया, अवगत कराया रजिस्ट्री के माध्यम से, और माननीय जिला चिकित्सा अधिकारी को भी और माननीय SP साहब को भी जो है जिला अधिकारी को जो है हमने इस फर्जी से अवगत कराया, लेकिन आज दिनांक तक मेरे जानकारी में कोई कार्रवाई की जानकारी। शकुंतला देवी, आपका कहना कि शकुंतला देवी जी क्या है? पति रामपाल हरिजन। हाँ, रामपाल हरिजन वो आशा पर नियुक्त हैं जी। हाँ, और उनकी मार्कशीट फर्जी है और कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं हुई। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज से तहसील चीफ कमलेश शुक्ला का दिनेश द्विवेदी।